अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार का विषय में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, कौन सा अमल सबसे अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वक्त पर नमाज पढ़ना, वालदैन के साथ नेक मामला करना और फिर अल्लाह के रास्ते में जहाद करना। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। फोर, द सम ऑफ कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। ये जो कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स होता है, जब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं तो ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स कामा वाई के जो पेयर होते हैं, इसको हम कार्टीजियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि लेट एक्स कामा वाई बी द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स। अब हमारी कंडीशन, उसने क्या कहा था कि द सम ऑफ कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9, यानी जब हम इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। एंड सम ऑफ देयर स्केयर, यानी जब इसका स्केयर लेंगे, यानी एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 45, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हमने कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को फाइंड आउट करना है। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और ये आपके पास क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर से हम वैल्यूज़ को निकालते हैं और क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। इसकी ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में एक्स की जगह हम 9 माइनस वाई पुट कर देंगे। अगर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करूँ तो ये आ जाएगा 9 माइनस वाई का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 45। यहाँ फार्मूला खोल दें, आ जाएगा ए का स्केयर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 45। तो 9 का स्केयर ये आपके पास आ जाएगा 81, 9 2 18 वाई प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 45। वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर ये आपके पास आ गया 2 वाई का स्केयर माइनस 18 वाई प्लस 81, और ये 45 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपने सिंपल ये करना है, 81 में से 45 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 वाई का स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इन सब में से मैं 2 को कॉमन भी ले सकता हूँ। मैं अगर 2 को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर 2 9 जार 18 वाई, और 18 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। इस 2 को डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। तो यह आ जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करके यहाँ से वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये आपके पास आ गया वाई का स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 6 मल्टीप्लाई 3 करें तो ये आपके पास 18 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया वाई का स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। वाई को कामन करें, y माइनस 6 माइनस 3 कामन करें तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 को कामन कर लें, यह आ जाएगा y माइनस 6 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक आंसर आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 6, एक आंसर आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। ये माइनस 6 था तो प्लस हो गया, माइनस 3 था तो प्लस 3। ये y की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से हम x के आंसर्स को निकालेंगे। एक दफ़ा हम y में पुट करेंगे 6 और एक दफ़ा हम y में पुट करेंगे 3। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके यहाँ से x के आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, 9 माइनस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3।
अब इसी का कार से आ जाएगा x इज इक्वल टू नाइन माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू सिक्स। तो ये आपके पास x और y के पेयर बन गए। अब हम इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, वो आपके पास बन जाएगा थ्री कामा सिक्स, एक आ जाएगा थ्री कामा सिक्स और एक आपके पास आ जाएगा सिक्स कामा थ्री। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फाइव की जानिब। नंबर फाइव, द सम ऑफ टू नंबर इज इलेवन, यानी कि अगर हम दो नंबर का सम निकालेंगे वो इलेवन है और प्रोडक्ट आपके पास थर्टी है। सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट द टू नंबर्स इज ए एंड बी। तो पहली कंडीशन के मुताबिक उसने कहा था कि सम ऑफ टू नंबर इज इलेवन, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू इलेवन। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें एंड प्रोडक्ट इज थर्टी, और ए बी इसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास थर्टी है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू आ गई है। अब यहाँ से इस लीनियर इक्वेशन से ए या बी की वैल्यू निकालें और इक्वेशन नंबर टू में पुट कर लें। तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू इलेवन माइनस बी पुट इन इक्वेशन नंबर टू। अब अगर मैं इसको टू में पुट करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा ए, ए की जगह आ जाएगा इलेवन माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू थर्टी, यह आ जाएगा इलेवन बी माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू थर्टी। इस माइनस बी स्केयर को जब मैं उस तरफ लेके जाऊंगा ये प्लस बी स्केयर आ जाएगा, ये प्लस इलेवन उधर जाके माइनस इलेवन बी प्लस थर्टी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब अगर आप इसकी पेयर बना लें तो सिक्स फाइव ज़ार थर्टी, सिक्स और फाइव को ऐड करेंगे तो ये इलेवन आ जाएगा। सिर्फ साइन के हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, ये आ जाएगा बी का स्केयर माइनस फाइव बी माइनस सिक्स बी प्लस थर्टी इक्वल टू ज़ीरो। बी कामन कर लें आ जाएगा बी माइनस फाइव माइनस सिक्स कामन कर लें तो ये आ जाएगा बी माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला पेयर कामन कर लें तो ये आ जाएगा बी माइनस फाइव बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। बी माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाएगा बी इक्वल टू फाइव, फिर ये आ जाएगा बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू सिक्स। बी की ये वैल्यूज इधर पुट करेंगे और यहाँ से हम ए की वैल्यूज भी निकाल लेंगे। तो ये अब आपके पास आ जाएगा बी इक्वल टू फाइव और ये आ जाएगा बी इक्वल टू सिक्स आ जाएगा। तो इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू इलेवन माइनस बी इलेवन माइनस फाइव, तो ये आपके पास आ जाएगा ए इक्वल टू सिक्स। ये भी आ जाएगा ए इक्वल टू इलेवन माइनस बी इलेवन माइनस सिक्स, तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू फाइव। बस अब इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, हम कह सकते हैं कि दस द टू नंबर्स आर आर, इसको अगर हम ये पेयर ले लें तो ये सिक्स एंड फाइव आ जाएगा, और अगर हम ये नंबर ले लें तो फाइव और सिक्स, तो तकरीबन एक ही आंसर है, कोई इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सिक्स की जानिब। सिक्स, द सम ऑफ स्केयर ऑफ टू कंजक्टिव ऑड नंबर। अगर हम सबसे पहले कंजक्टिव ऑड नंबर बनाने की कोशिश करें, अगर मैं एक ये बना लेता हूँ टू एक्स प्लस वन और एक मैं बना लेता हूँ टू एक्स प्लस थ्री। अब सपोज करें कि मैं एक्स में अगर वन वैल्यू भी पुट कर देता हूँ तो यह आ जाएगा टू इंटू वन प्लस वन, यह आ जाएगा टू इंटू वन प्लस थ्री, तो यह आ जाएगा टू प्लस वन टू प्लस थ्री, तो यह आ जाएगा थ्री और यह आ गया फाइव। कोई एक और वैल्यू रैंडमली पुट कर लेते हैं, फाइव पुट कर लेते हैं, टू इंटू फाइव प्लस वन टू इंटू फाइव प्लस थ्री, फाइव टू दर टेन, टेन प्लस वन इलेवन, फाइव टू दर टेन प्लस थ्री थर्टीन। तो सबसे पहले तो हम ये लेट करते हैं
कि लेट द टू कंजक्टिव नंबर, लेट टू कंजक्टिव ऑड नंबर इस ए को मैंने रखा था 2x प्लस 1 और दूसरा आपके पास है 2x प्लस 3। ये हमने दो कंजक्टिव नंबर को लेट कर लिया है। अब उसके बाद हमने कंडीशन देखें सम ऑफ स्केयर ऑफ 2, यानी इन दोनों को पहले हम सम भी करेंगे, यानी 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 सम ऑफ देयर स्केयर, यानी फिर इसका स्केयर भी लेंगे साथ साथ, विच इज इक्वल टू 34। अब हमने इस इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है, तो बस फार्मूला को ओपन कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्केयर प्लस 2 a b प्लस b का स्केयर। आगे भी ओपन कर लें, ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस 2 a b प्लस b का स्केयर विच इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। ब्रैकेट से हटा दें, 2 का स्केयर करेंगे आ गया 4x का स्केयर, 4x, 1 का स्केयर 1, इसका भी स्केयर ओपन करें आ जाएगा 4x का स्केयर, 4, 12x और 3 का स्केयर करेंगे आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 34 इधर आके माइनस 34 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद हमने ये करना है, ये 4x स्केयर प्लस 4x स्केयर ये आपके पास आ गया 8x का स्केयर 4x प्लस 12x, ये आपके पास आ गया 16x, 9 प्लस 1 10 माइनस 34 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा 8x का स्केयर प्लस 16x प्लस माइनस, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, 34 में से 10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं 4 को कॉमन करना चाहूँ तो भी कॉमन कर सकता हूँ, 4 टूज आर 8, बल्कि 4 की जगह 8 को कॉमन कर लेते हैं, 8 ज़्यादा इजी हो जाएगा, 8 वन आर 8, 8 टू आर 16, 8 थ्री आर 24 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा x का स्केयर प्लस 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू, इस 8 को जब डिवाइड कर दें यह आ जाएगा x का स्केयर प्लस 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करके यहाँ से हम दो आंसर निकालेंगे। ये आपके पास आ गया x का स्केयर प्लस 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 वन आर 3, 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा। x का स्केयर हमें प्लस चाहिए तो बड़ी रकम के साथ प्लस लगा लेंगे, छोटी के साथ माइनस 0, x कामन करें तो ये आ जाएगा x प्लस 3, माइनस 1 कामन करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 3 एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, इसको इग्नोर कर देते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 1। अब जो हमने नंबर लेट किए थे इस 1 को हम उसमें पुट करते हैं, फिर हम ये कहेंगे कि 10 द नंबर्स आर या इंटीजर्स, 10 द इंटीजर्स, एक आपके पास था 2x प्लस 1, एक आपके पास था 2x प्लस 3, x की जगह 1 प्लस 1, 2 वन आर 2 प्लस 1 3 आ गया और ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 टू आर 4, 4 प्लस 1 5 आ गया। तो अब हम इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, अब हम कह सकते हैं कि 10 टू इंटीजर्स आर, एक आपके पास 3 है और एक आपके पास 5 है, और ये कंजक्टिव ऑड नंबर हैं और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अक्सर सुनने को और पढ़ने को मिलता है कि हर शख्स अपनी जगह ठीक है। मेरे नज़दीक ये ज़रूरी भी नहीं, बेशतर औकात हम गलत भी होते हैं
पर इस बात को दिल और दिमाग मानता नहीं। अपना एहतसाब ज़रूर किया करें और गलती मानकर अपनी इसलाह भी किया करें। आप देखेंगे कि ज़िंदगी के बहुत से मामलात पहले से बहुत बेहतर हो गए। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।